सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा मौत से पहले जबरन दी गई थी सिंथेटिक ड्रग्स। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर गिरफ्तार। हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ, भारी संख्या में लोगों ने दी अंतिम विदाई। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, परिवार कहेगा तो करवाएंगे सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को लिखा 5 पेज का लेटर। राहुल गांधी पर वरिष्ठ नेताओं को के अपमान का लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद बोले, कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती, पार्टी में ना इच्छा शक्ति बची ना काबिलियत। गुलाम नबी आजाद ने कहा, नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया महज दिखावा है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कठपुतली होगा। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दुखद बताया, कहा जब कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है तब पार्टी छोड़ना सही नहीं। पवन खेड़ा का गुलाम नबी आजाद पर बड़ा हमला, कहा ये बिना पद के नहीं रह सकते, ऐसे नेताओं के चलते पार्टी के हालात खराब हुए, इनका रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के पास मौजूद है। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 के सदस्य संदीप दीक्षित ने गुलाम नबी आजाद को लिखा लेटर, कहा हमने सुधार का बैनर उठाया था, बगावत का नहीं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोले अशोक गहलोत, उनकी टिप्पणी ठीक नहीं, जिसे सब कुछ मिला वो आज ऐसा संदेश दे रहा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में बड़ी हलचल, बड़े नेताओं ने बुलाई बैठक। गुलाम नबी के पार्टी छोड़ने पर बोले कुलदीप बिश्नोई, डिफेक्ट नेताओं में नहीं कांग्रेस पार्टी में है, राहुल गांधी कुछ खास लोगों से घिरे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा, खोखा खोखा 20 खोखा के लगाए नारे। दिल्ली विधानसभा के बाहर शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। झारखंड में संकट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी, विधानसभा की सदस्यता को लेकर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। शाम 7:30 बजे सहयोगी दलों के साथ दोबारा बैठक करेंगे हेमंत सोरेन, राज्यपाल के आदेश के बाद आगे की रणनीति पर होगा फैसला। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट के दायरे से बाहर का मामला, 3 जजों की बेंच को भेजा गया केस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा। राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें, भड़काऊ भाषण की जांच में मिले सबूत, औरंगाबाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में दिखा अनोखा नजारा, उम्मीदवार दंडवत होकर छात्रों से मांग रहे हैं समर्थन और वोट। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी, आसपास के सभी सोसाइटीज को धका गया, लोगों का दूसरी जगह पर शिफ्ट होना जारी। मनोवर फारूकी के दिल्ली में 28 अगस्त को होने वाले प्रोग्राम पर विवाद, वीएचपी ने शो को रद्द करने की मांग की, दिल्ली पुलिस को लिखा लेटर। अंबाला के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की घर में मिली डेड बॉडी, पुलिस जांच में जुटी। सीएम योगी के ओएसडी की सड़क हादसे में मौत, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, पत्नी की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन,
भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना नदी, जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।